हमारे सचिवालय प्रशासन के प्रभारी प्रमुख सचिव सुभाष जी, सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्य हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे खुद के स्टाफ ऑफिसर्स आज के दिन सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 23 हमारे सचिवालय प्रशासन के और एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री राजाराम जी, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके परिवारगण। सबसे पहले तो मैं अपने इन 24 लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपनी सेवा पूरी करके, किसी की 30 साल, किसी की 35 साल, किसी की 39 साल, अलग अलग अवधि की सेवा पूरी करके और पूरे खुशी के साथ आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भगवान आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, प्रसन्न रखे। और अच्छा लगा मुझे जो चांदनी बालाजी ने कहा कि अभी अब टायर में अब दोबारा हवा भर करके फिर से चलने को तैयार है, तो बिल्कुल आप रिटायर तो जरूर हुए हैं लेकिन टायर्ड नहीं हुए, आप अभी थके नहीं हैं, आप अनथके दोबारा फिर से अपने टायर में हवा भर करके फिर से चले, इसकी शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन तो आपका उसी दिन तय हो गया था जिस दिन आप सेवा में आए, क्योंकि जो बीच में एक यादव जी ने बात की, नंदलाल यादव जी ने आध्यात्मिक पहलू की बात की, तो असली आध्यात्मिक तो यही है कि हर चीज जो पैदा होती है वो समाप्त भी होती है। जिंदगी में कोई भी चीज अस्थिर नहीं होता, सब चीज का जो है पैदा होता है और फिर मरता है, शुरू होता है और अंत होता है। तो जिस दिन आपने सेवा प्रारंभ की उसी दिन आपको मालूम होता कि सेवा का अंत फला दिन हो जाएगा या उसके बाद थोड़ा सा और वध मिलेगा उसके बाद हो जाएगा, लेकिन सेवा का अंत तो होना ही है। और यह सबसे बड़ा आध्यात्म का यह सबसे बड़ा सीख है, जिस दिन हमको ये लगेगा कि हम अस्थाई कहीं नहीं है, हम अस्थिर कहीं नहीं है, हम चलायमान है, तो जो आदमी के अंदर जो दम हो जाता है एक प्रकार से, उनके अंदर जो बहुत सारी एक गलत गलत भावनाएं आ जाती है वो सारी समाप्त हो जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप चलने वाले हैं और आपकी जगह कोई दूसरा आने वाला है। तो आप उस भाव से काम करते हैं, आध्यात्म का एक बहुत बड़ा भाव है, उस भाव से काम करते हैं कि हम जहां पे हैं वो इसलिए है कि आज परम पिता परमेश्वर ने हमारे लिए वो स्थान नियत किया है कि इतने दिन आप यहां रह करके आपका ये पड़ाव है, इस पड़ाव पे रह करके आप कुछ करो हमारे लिए, हमारी सृष्टि के लिए, हमारी जो इतनी सारी विधाता ने जो कुछ बना रखा उसके लिए कुछ करो, इस भाव से। क्योंकि जब हम अंत को देखते हैं तो हम दोबारा फिर से सोचते कि अंत कभी तो होता नहीं, क्योंकि हमारा अगेन दूसरी आध्यात्म का दूसरा पहलू है कि हम तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। अभी आपने गीता की बात की, गीता तो कहती है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, माने हम कपड़े को जैसे बदलते रहते हैं वैसे हमारी आत्मा हमारे शरीर रूपी कपड़े को बदलती रहती है, यानी परिवर्तनशील जगत, जिसको जो है कालिदास ने उसको जो लिखा, उन्होंने कहा छड़े छड़े जन्न वाम पैती तदैव रूप में रमणीयताया, यानी क्षण क्षण में जहां पे परिवर्तन है उसी में ही रमणीयता है। अगर चीजें अस्थिर हो जाए, अगर किसी को ये आशीर्वाद मिल जाए कि जिंदगी भर युवा रहोगे तो वो युवा रह करके परेशान हो जाएगा, अगर किसी को ये मिल जाए कि तुम जिंदगी भर यही पद पे बने रहोगे तो वो वहां पे परेशान हो जाएगा। क्षण क्षण में परिवर्तन ही क्षण क्षण अन्न वाम पेती तदीव रूपम रमणीयताया, ये हमारा दर्शन है, यही हमारा आध्यात्म है। कालिदास ने इसको लिखा कि जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन से हमें जीवन में रमणीयता बनी रहती है। तो आपका जो जीवन का, आपने एक जीवन समाप्त नहीं हुआ, समाप्त भी होगा किसी दिन, इस बात से भी हम सबको आश्वस्त रहना चाहिए, क्योंकि हमारा आध्यात्म कहता है कि मृत्यु हमारे लिए अंत नहीं है, मृत्यु एक नई जिंदगी की शुरुआत है। जिस दिन आप में आध्यात्म का यह भाव आ जाएगा, मृत्यु से डरने लगेगा। डरना किस बात का,
वो तो बस हम अपने कपड़े को बदलेंगे, एक नया कपड़ा पहन करके फिर से चालू हो जाएंगे। तो वैसे आपने आज एक सेवा का समापन किया और नई सेवा का, नई चीज का शुभारंभ कर दिया। यही आध्यात्म है, यही जो असली जो है हमारे सनातन की असली शिक्षा यही है, जो हमारे ऋषियों ने, संतों ने, महर्षियों ने यही बात में बताई है कि किसी चीज का कोई अंत नहीं है, जो अंत है वो शुरुआत है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आगे से हम क्या करने जा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे सनातन में जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था के तहत हमारी जो है चार, हमारे जो चार आश्रम होते थे। पहला आश्रम होता था हमारा, जिसमें जिसको हम लोग कहते थे ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य यानी बालावस्था, जो पहले 25 साल होते थे, 25 साल में हम अपनी ताकत को बढ़ाते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा चाहे वो युद्ध की शिक्षा हो सकती थी, वो शिक्षा चाहे वो हो सकती थी कि जो है कृषि की शिक्षा हो सकती थी, वो शिक्षा जो है नीति की शिक्षा हो सकती थी, वो शिक्षा राजनीति की शिक्षा हो सकती थी। अलग अलग प्रकार की शिक्षा हम ग्रहण करते थे जिससे कि हम अपने को ताकतवर बनाते थे। ये हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। चाहे भगवान राम रहे हो, उनको भी जाना पड़ा था विश्वामित्र के आश्रम में, उस वर्णाश्रम व्यवस्था में। भगवान कृष्ण हो, उन्हें भी संदीपनी आश्रम में जाना पड़ा था उस व्यवस्था के तहत, ब्रह्मचर्य व्यवस्था में, कि संदीपनी गुरु के आश्रम में जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कोई भी राजा महाराजा जो भी हो, सब कोई को उस अवस्था में जाकर के अपने आप को ताकतवर बनाना, अपनी जितनी सारी जो भगवान ने शक्ति का पुंज में पैदा किया, उस शक्ति को हम लोग कैसे व्यवहार में ला सकते हैं, उसके लिए हम शिक्षण ग्रहण करते थे। और अगली जो 25 साल होते थे वो होता था गृहस्थ आश्रम, क्योंकि हमें हमारे माँ बाप ने इस धरती पे हमें लाया है, तो हमें एक बार इस संतति के माध्यम से हम एक नए जीवन में, हम विवाह करेंगे, विवाह करके हम नई हमारी संतति होगी और हम उसको जो है योग्य बनाएंगे, जैसे आने वाले समय में ये हमारी व्यवस्था जो है ये चलती रहे, ये सनातन शास्त्र व्यवस्था चलती रहे, ये तो व्यवस्था मर जाए। गृहस्थ आश्रम में जो भी हमने ताकत अगर हासिल की, हम एक योद्धा बनेंगे, तो योद्धा बनकर के हम तमाम सारी जो हमारी शक्तियां होती है शक्तियों का प्रयोग करते। अगर हम जो अब शिक्षक बनते तो शिक्षक के रूप में उसका प्रयोग करते, कृषक बनते थे कृषक का, व्यवसायी बनते थे व्यवसायी का काम करते। अलग अलग क्षेत्र में हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करते थे। गृहस्थ आश्रम में हम अपने लिए जीते थे, अपने परिवार के लिए जीते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, परिवार की उन्नति के लिए काम करते थे, और परिवार के साथ साथ अपने जो हमारा जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे अपने गाँव का, अपने शहर का, अपने नगर का, उसके भी विकास के लिए काम करते। लेकिन जब हमारा ये जो गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया, तो तीसरी अवस्था आती थी हमारी जो है, जिसमें वानप्रस्थ आश्रम होता। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब कि हमने अपने को तो, अपना तो जो जो कुछ भी था हम अपने परिवार का हमने कर लिया, अब हमारा समाज परिवार हो गया। जो ताकत हमको मिला ब्रह्मचर्य आश्रम में, और उस ताकत को हमने उसको अंतिम दांव तक ले गए, उस शक्ति तक हमने उसको महसूस की, लाने की महसूस की। उस शक्ति को अब हम पूरे समाज को देंगे, तब हमारी खुद की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे बच्चे स्वस्थ अपना जहां पे हैं वहां पे सेट हो गए। अब हम समाज को देखेंगे, हमने जो हासिल किया क्या हम उसे समाज को कुछ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ये वानप्रस्थ अवस्था होती थी। तो अगले 25 साल हम वानप्रस्थ अवस्था में रहते थे। और जो चौथा और अंतिम हमारा जो आश्रम होता था, वो चौथा पड़ाव हमारा होता था, वो होता था हमारा जो है संन्यास आश्रम। संन्यास का मतलब कि अब न हम अपने हैं, न अपने परिवार के हैं, न हम अपने समाज के हैं, हम और हमारा परमात्मा, हम और हमारा विधाता जिसने हमारा निर्माण किया, हम उसके साथ सीधे सीधे जुड़ करके उसके साथ उस आध्यात्म, उस भाव को हम लोग हासिल करते थे, जिससे कि हम आने वाले जिंदगी में जो नई जिंदगी हमको मिलने वाली है, उस जिंदगी में हम उसको अपने पूरा का पूरा उस शक्तियों के पुंज को हम लेकर के नई शरीर को हम लोग धारण कर सकते। यानी मैं और हमारा परमात्मा के बीच में और कोई न रहता, संन्यास, सबसे हमने संन्यास ले लिया। तो ये 25-25 साल की अवस्था, जो जरूरी नहीं कि 25-30 साल, पहले वाला 25 का 30 भी हो सकता है, दूसरा वाला 25 का 40 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन अवस्थाएं तो आनी है। ये दूसरी बात है कि कोई कोई इसको स्किप भी कर देता है।
तो हमारी जो ये जो वर्ण व्यवस्था थी इतनी बढ़िया हमारी सनातन की वर्ण व्यवस्था है, और इसे मैंने यहां नहीं, मैंने विदेशों में भी देखा, मुझे कई बार विदेशों में रहने का, लंबा लंबा विदेशों में रहने का मुझे मौका मिला, पढ़ने के लिए भी, काम करने के लिए भी, और मैंने वहां देखा, वहां भी मुझे लगा, क्योंकि ये सनातन का जो भाव है ये हमारे देश में नहीं है, ये सनातन का भाव तो ये शाश्वत भाव है, ये वैश्विक भाव है, ये हमारा जो है क्या कहते हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम वाला भाव है, और ये भाव हमने विदेशों में भी देखा कि वहां भी मैं देखता हूं कि वो भी अपना जो है पहले अपनी को जो अलग अलग रूप उसका तरीका बदल सकता है, जैसे कि पाठ अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ऐसे देखा कि उनका भी ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, संन्यास आश्रम होता है, और ऐसे में जब आप वानप्रस्थ आश्रम में जा रहे हैं, आप सोचो कितने बड़े भाग्यशाली हो आप, आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि आज कहां पे घूम रहे हैं, आपको सचिवालय में सेवा करने का मौका मिले, आप सचिवालय जो होता है उत्तर प्रदेश का सचिवालय पूरे प्रदेश का नीति निर्धारण करता है, यहां का विधि विधान बनाता है, पूरा प्रदेश कैसे चलता है उसको सचिवालय से यहां पे कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, और उसके आप एक अंग रहे हो, चाहे जिस रूप में आप अनुसेवक हो सकते हो, आप ड्राइवर हो सकते हो, आप जो है समीक्षा अधिकारी हो सकते हो, आप प्रमुख सचिव हो सकते हो, आप विशेष सचिव हो सकते हो, मुख्य सचिव हो सकते हो, आप उस अंग के उसके भाग हो, और हर भाग जैसे कि कोई अगर अगर आपकी जैसे कार चल रही है और कार का जो इंजन है उसमें से एक नट बोल्ट निकाल लीजिए तो देखिए कि कार के इंजन में क्या है, चलेगी तो लेकिन खड़खड़ 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 करना चालू कर देगी, हर एक कल पूजा उसका बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो आप उस महत्वपूर्ण उस जो जो प्रदेश की जो जो कार चल रही थी उस कार के एक महत्वपूर्ण इंजन के भाग थे, वो भाग क्या हो सकता है, छोटा सा नट बोल्ट हो सकता है, छोटा सा रिविट जिसको कहते हैं वो हो सकता है, लेकिन थे आप, और उसमें आपने बहुत कुछ अनुभव किया होगा, ये अनुभव करने का मौका आपको उस परमपिता परमेश्वर का ही आशीर्वाद था, जिससे उसका और आपके माँ बाप का जो कुछ उनके अच्छे पुण्य कर्म रहोगे जिसके नाते आपको मौका मिला, लेकिन अब आप उससे बहुत आगे बढ़ चुके, तो क्या आप उसी भाव से जो आपको मिला आप उस भाव से क्या समाज को कुछ दे सकते हो, आज देने के लिए बहुत कुछ है, अगर आप सोचे कि देने के लिए, कोई बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि हमको साहब नौकरी दे दीजिए, हमको एक और थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, यस वो भी पॉसिबिलिटी है, वो भी हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बार आंख खोल करके देखें तो पूरे समाज में काम ही काम है, अभी जो एक सहस्राब्दी की 1000 साल की इतनी बड़ी घटना भी हुई है 22 जनवरी 2024 को, भगवान राम जो जो उनका जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है जन्मभूमि पे बने हुए भव्य मंदिर के भीतर, आपने देखा पूरे दुनिया में पूरे देश में किस प्रकार की ऊर्जा भर दिया, किस प्रकार के एक नई सोच को भर दिया, आप कितनी एक पॉजिटिविटी, कितनी सारी पॉजिटिव चीजों को भर दिया, अब आप सोचे कि अगर ऐसी चीजें हैं तो हम समाज में क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे लोगों के मन में इस ऊर्जा को इस भाव को लेकर के आज जब देश हमारा बदल रहा है, आज जो प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है, अमृत काल यानी गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, जो भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, और 15 अगस्त 1947 को आप समझिए अंग्रेजों से स्वतंत्रता नहीं मिली हमें, 15 अगस्त 1947 को हमको एक लंबी अवधि की प्रतंत्रता के बाद जो लगभग 1000 साल का काला इतिहास था इस देश का, जिसपे हमारी पूरी पूरी हमारी देश की, क्योंकि ये तो वो देश था जिस देश में कहते थे गायंती देवा किल की तकानी धन्यस्तवे भारत भूमि भागे, वो देश था जहां पे देवी देवता भी तरसते थे आने के लिए, जहां पे भगवान राम पैदा हो रहे, कृष्ण पैदा हो रहे, बुद्ध पैदा हो रहे, जैन मुनि पैदा हो रहे, ये वो देश था जहां पे आज से 1000 साल पहले नैमिषारण्य में जो है वेदों का पाठ हुआ, जहां पे इतने सारे ऐसे ऐसे विज्ञान आप सोच नहीं सकते हो, कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं बिल्कुल मेरे मन रोमांचित हो उठता है, कभी मैं सोचता हूं कि कैसे रहे होंगे पतंजलि मुनि, कैसे रहे होंगे वशिष्ठ मुनि, कैसे रहे होंगे हमारे जो है भरद्वाज मुनि, जो कि उस समय भरद्वाज मुनि ने पूरा का पूरा विमान शास्त्र लिख दिया, कैसे हमारे ये तमाम सारे हमारे ऋषि महर्षि रहे होंगे आज से 1000 साल पहले इसी धरती पे, यहीं पे जहां पे हम रहते हैं, वो उनकी कितनी ताकत रही हो, कितनी बड़ी सोच रही हो, तो अगर उनकी इतनी सोच सकते हैं, हमारे इतने 1000 साल पहले इतनी बड़ी सोच हो सकती है, तो हम कैसे छोटे हो सकते हैं,
हमारे अंदर तो उन्हीं के रक्त, उन्हीं के जो उन्हीं के खून बहते हैं, उन्हीं के डीएनए हमारे अंदर है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरे अंदर भी वशिष्ठ मुनि है, मेरे अंदर भी परद्वाज मुनि है, क्यों नहीं है? हम सबके अंदर है, क्योंकि इसी देश की इसी धरती पे वो पैदा हुए थे और उसके ऐतिहासिक प्रमाण यहीं पे उन्होंने सारी बातें की थी। तो हम जो हजारों साल की जो हम इतनी बड़ी जब सोची थी, आप मौर्य काल में देखी कि देश हमारा कैसा था, कहते थे कि यहां पे कहीं घर में ताले नहीं लगते थे, यहां पे बड़े दूध की नदियां बहती थी, ये लोग कहते थे यहां पे, ये तो शुद्ध। जब यहां पे कोलंबस चला था दुनिया से ढूंढने के लिए, तो सोने की चिड़िया ढूंढने चला था वो, वास्को डी गामा चला था, सोने की चिड़िया ढूंढने चला था वो। ये हमारा देश हुआ करता था, वो तो हमारा, हम हजारों साल से गुलाम रहे, उस गुलामी की मानसिकता जिसको तोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें पंच प्रण में दूसरा प्रण रखा कि हमको गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। जो हजारों साल में परत दर परत हमारे अंदर गुलामी भर दी गई है, उससे बाहर निकलना। आप इसी काम को ले सकते हो कि लोगों के मन के अंदर से गुलामी के भाव को निकालो, लोगों में आत्मभाव डालो, लोगों के अंदर ये डालो कि देश ऋषियों का देश है, ये देश संतों का देश है, ये उनका देश है जिनमें इतनी ताकत हुआ करती थी, जो कि हजारों साल पहले वो सोच लेते थे, जो हम आज भी इतने सारे उपकरण होने के बाद भी उतना नहीं सोच पाते। आप कभी हमारे, तो कभी कभी मैं पढ़ता हूं तमाम सारी पुस्तकें पढ़ता, आपने गीता की बात की, गीता की हर लाइन में इतनी सारी चीजें छुपी हुई है। आप कभी सोचो कि कैसे हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने उसको कुरुक्षेत्र में उस प्रकार की बात को कही, सोच करके तो देखिए। गीता की पंक्ति को आप एक कभी कविता के रूप में ना देखिए, बल्कि उस रूप में देखिए कि कैसे उस समय इस प्रकार की बात कही जा रही थी। उससे आपको समझ में आएगा कि हमारा देश कितना समृद्ध था, हमारे देश में कितनी ताकत थी। और देश भूगोल से नहीं बनता, देश लोगों से बनता है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा कि किसी देश, कोई भी देश जो है, उसकी ताकत वहां का भूगोल नहीं होता, वहां के खनिज पदार्थ नहीं होते, वहां की नदियां धरती नहीं होती, बल्कि वहां के लोग होते हैं। यानी इस देश के लोग इतने ताकतवर हुआ करते थे और उन्हीं के संतान हम लोग। तो जब आप रिटायर कर रहे हो तो आपके लिए असीम संभावना है, क्या कुछ नहीं कर सकते हो, कैसे अपने बच्चों में उस ताकत को ला सकते हो, कैसे इस परिवर्तन की लहर को, जो जिस काम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हुआ, इस देश को विकसित बनाना, विकसित बनने के लिए हर के अंदर सोच ला करके हर कोई सोचे कि हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ करने का काम करें, ऐसा कैसे कर सकते हो? आप क्या कुछ सीखे उस चीज से, कैसे लोगों को लाभ, अपने लिए बहुत जी लिया आपने, अब आप दूसरों के लिए जीना सीखिए। इसके पहले कि आप, आपका तादाद में सब जो संन्यास काल में उसके साथ हो, परमात्मा के साथ हो, उसके पहले आप सोचिए कि कैसे हम दूसरों के साथ लेकर के जुड़े। और इसके लिए आप कहिए कि हमारे साथ कोई जुड़ेगा नहीं, कौन हमारी सोचेगा, हम तो केवल अनुसेवक हैं, हम तो केवल साधारण से, जो एक साधारण से, हम तो जो सांप का घंटी बजता था हम भाग करके कोई फाइल लेकर के आते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं हमारे इस तिजोई नगर में हम रहते हैं, दिल्ली में हमें सरकार का ही मकान दे रखा है, वहां मैं जब भी जाता हूँ टहलने जाता हूँ, वहां का पार्क है, जब सौभाग्य मेरा कि वो सब सारा मेरा ही बनाया हुआ था, जिस जमाने में मैं प्रमुख वहां पे हुआ करता था, सेक्रेटरी हुआ करता था, वो सब तब कॉलोनी बनाई थी मैंने। अब मैं जब टहलने जाता हूँ, एक दिन मैं ऐसे टहल रहा था, एक बंदा आया मेरे पास और आकर के मेरा पहुंच हुआ, मैंने कहा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। उन्हें क्या सिखा रहे हो? योग सिखा रहा हूँ। उस पार्क में वो मेरा अनुसेवक हुआ करता था, मुझे वो पानी पिलाता था, मैं घंटी बजाता पानी पिलाता था, मुझे फाइलें लाता था, और मैं सीवीओ हुआ करता था एयरपोर्ट अथॉरिटी में, और मैं देखा लोगों को, फिर उसने कहा साहब आप आ जाइए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। क्या कमाल की चीज है, क्या कमाल की चीज। मैंने देखो, मैंने क्योंकि मैंने आप इसलिए मैंने ऋषियों का जवाब दिया कि हमारे ऋषि कभी सोचते ही नहीं थे। आपने रामचंद्र मिशन का नाम सुना होगा, शायद कुछ लोग आपसे जुड़े भी होंगे। रामचंद्र मिशन के जो हेड हुआ करते थे शाहजहांपुर के, रामचंद्र जी महाराज जी, आप उनके बारे में पढ़िए, मैं बताऊंगा नहीं, आप जरा पढ़ करके तो देखिए, गूगल करके देखिए, देखिए उनकी जीवनी देखिए। तो हमारे संत जो, हमारे जो लोग हैं वो कितने वो थे, वो अपने को इन चीजों से बांधते नहीं थे, रोकते नहीं थे। ये सारी असीम संभावनाएं पैदा हो जाती। तो इसलिए आपको ये सोचना है कि हम क्या कर सकते। ऐसा भी ना सोचिए कि हम अगर जाएंगे तो हमारे लोग हमारे पर हंसी करें, हंसे तो हंसने दीजिए उन्हें, लोग कहेंगे पागल हो गया, चलो इसको तो कुछ अब करने को नहीं, कुछ करने दीजिए। इसको लोग पागल कहते हैं, कल को उसको पांव छू दे, करने दीजिए उसको। आप एक बार अपने धुन में पड़ जाइए, देखिए कि कभी आपने
30 साल 35 साल सचिवालय की सर्विस की, तमाम सारे लोगों की सेवा की, अब आगे के लिए लोगों की सेवा करें, नए रूप में नए तरीके से लोगों करने की सेवा करें। ये जो आपको जो कुछ लोगों ने बताया इसके बारे में ट्रॉफी के बारे में, ये ट्रॉफी ऐसे नहीं बनी, मैंने इसे कई राउंड में बनवाया है। हमारे जो सचिवालय प्रशासन के प्रमुख सचिव थे, मैंने कुछ आइडिया दी कि आप ऐसा बनाइए, पहले बार उन्होंने कुछ बनाया, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, इसमें ये डालिए फिर ये डालिए। जब आप इसे अपने घर में रखेंगे तो मैं आपको आज जस्ट पहले बार में बता रहा हूँ, पहले कभी बताया नहीं कि इसके पीछे मेरी क्या सोच थी। ये सोच है हमने जो देखे पूरा गोल्डन डाला मैंने, इसलिए डाला गोल्डन कि ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, आपको याद रहेगा कि गोल्डन पीरियड में आप जो रिटायर किए, ये अमृत काल चल रहा है, इसलिए आपको गोल्डन डिस्को डाल। ये दोनों तरफ हमने प्रकाश स्तंभ डाले, अगर आप देखेंगे दोनों तो प्रकाश स्तंभ, सबसे प्रकाश का पुंज जो है सबसे बड़ा ताकतवर चीज होता है, प्रकाश से बड़ा ताकत कुछ होता नहीं। अग्नि देवता हमारे जो है, हमारे आध्यात्म, हमारे जो संस्कारों में, हमारे सब जगह अग्नि देवता और जल देवता से बड़ा कोई है ही नहीं, सब चीज शुद्ध हो जाता अग्नि के साथ, शुद्ध जाता ये प्रकाश के पुंज है। और आपको ये हमेशा याद दिलाएगा जो दोनों तरफ जो है, एक तरफ उत्तर प्रदेश हमारा बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है, देखो उत्तर प्रदेश का यूपी जो आपका जो अगर आप देखें दाहिने तरफ जो है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले ये इस प्रकार का नया सिंबल माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया था, हम लोगों ने बहुत सारी सुविधाएं मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हमारा उत्तर प्रदेश बढ़ रहा। आपको याद रखना चाहिए कि आपके जीवन में देखिएगा उत्तर प्रदेश हर साल बढ़ता हुआ नजर आएगा, हर साल आगे आप जब देखेंगे तो आपको कहीं और आगे बढ़ जाए बढ़ा हुआ नजर आएगा, ये हमारा बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। और आप बाएं तरफ देखेंगे तो ये आ गया हमारा अमृत काल, और चूंकि अमृत काल का कोई सिंबल नहीं है इसलिए मैंने कहा चलो इसको जो आजादी का अमृत महोत्सव से याद दिलाएगा कि 75 साल आजादी के पूरे में वो याद होगा। और ओवरऑल हमारा उत्तर प्रदेश का जो है ये सिंबल है, जिसमें मछली भी है, गंगा भी है, जमुना भी है, तीर्थनुष भी है, वो तमाम सारी चीजें हैं, ये सारा आपको मिला करके इसको बनाया और जिसके ऊपर आपका नाम भी डाले कि मैं कहा कि सबका नाम स्थायी तौर पर आप जहाँ पे रखें लोग देखें कि देखो भाई ये यहाँ पे प्रिया जी यहाँ पे रिटायर की है 40 ईयर्स के बाद और इस पीरियड में रिटायर किए और ये हमारा उत्तर प्रदेश। ये सोच करके मैंने ये मैंने यहाँ पे आज अभी नहीं है हमारे प्रमुख सचिव नहीं है, बट हमारा जो अंडर सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी को मालूम है, कई राउंड में करके मैंने इस चीज को तय किया, इसलिए तय कराया क्योंकि उसके पीछे कुछ विचार रखता हूँ कि जिस उस विचार के भाव से आपको मैं उस चीज को आपको दे सकूँ। तो मैं आज आप सारे लोगों जो हमारे 23+1 24वें राजा राम जी 24 लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सारे लोगों को अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबके तरफ से हमारे जितने और साथी यहाँ पे सबके तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, आपका परिवार खुश हो, और स्वस्थ रखने का एक ही केवल साधन है कर्मयोगी बनिए। स्वस्थ रहने के लिए ऐसा मत सोचिए कि बहुत लोग सोचते हैं कि चलो बहुत काम हो गया अब आराम करते हैं। हमारे इस गीता में शरीर का धर्म केवल कर्म है और कुछ नहीं है। जिस दिन शरीर कर्म करना बंद करेगी शरीर ही बंद हो जाएगी, ये मान के चलिए। तो इस शरीर के धर्म के लिए कर्म आवश्यक है। क्या कर्म होगा वो आप चाहे झाड़ू लेकर के अपना सफाई कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चों को योग्य बनाइए, आपके बच्चे योग्य बन गए और बच्चों को योग्य बनाइए और बच्चों का देश के ताकतवर नागरिक बनाइए, लोगों में बहुत सारी अच्छाई लाने की कोशिश करिए, संस्कार जो मर रहे हैं संस्कार लाने की कोशिश करिए, कुछ भी करिए लेकिन कर्म करते रहिए। जिस दिन कर्म को आपने छोड़ दिया तो शरीर का धर्म ही कर्म है, तो शरीर ही उसको छोड़ के चली जाएगी। जाना तो सबको है, हंसते खुसते जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर शरीर को रोगवान बना करके भेजेंगे फिर कष्ट होगा, आपको भी कष्ट होगा, आपके परिवार को भी कष्ट होगा। तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगा ऐसा नहीं, बल्कि आप जो जैसा कि चांदनी जी ने कहा, आप अपने टायर में दोबारा हवा भर करके रिटायर के साथ आप नए उसके ताकत के साथ चल पड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं।